हाय गाइस, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ काजल सिंह। फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने आपके लिए सिनम्स की सीरीज लाई है, जिसमें हम डेली आपके लिए नए अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का हमने यहाँ पर कलेक्शन तैयार किया है, ताकि आपके एग्जाम में ये हमेशा आपके लिए यूजफुल हो और आप कभी भी इनमें कन्फ्यूज ना हो और ना ही गलत करके आए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम किन किन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। उसके पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए डेली आने वाले हैं। इसलिए आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज हम किन वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा आज का वर्ड्स है, तो आज हम हमारे सिनम की सीरीज में उन वर्ड को डिस्कस करेंगे जो कि एक्स वाई एंड जेड से स्टार्ट होते हैं। आप सभी एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि इन वर्ड से ज़्यादा करके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इनसे ज़्यादा सिनम्स नहीं बनते हैं। लेकिन फिर भी विगत वर्षों में जो एक दो क्वेश्चन इन वर्ड से बने हैं, हमने उन सभी को कलेक्ट किया है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि प्रश्न कहीं से भी आए, कम से कम संभावना ही हो, ताकि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, वो भी सही सही। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करेंगे। उसके पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं फ्रेंड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने से ही आप हमारे चैनल से अप टू डेट रह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया की मीनिंग होती है फ्रेंड फियर और हेटर्ड ऑफ फॉरनर्स, यानी कि विदेशी लोगों से डरना या फिर नफरत करना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है फोबिया, फोबिया तो हम सभी जानते हैं कि एक रूट वर्ड है जो कि डर को बताता है, जैसे कि हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। तो फोबिया तो एक रूट वर्ड हो गया। अब हमें रिलेट करना है जैनो को फॉरनर से। तो जैनो को रिलेट करिए जैन कोई नाम, मान लीजिए कोई इंग्लिश नेम है। हम जब भी पढ़ते हैं विदेशत शब्द, इंग्लिश शब्द और देशज शब्द, विदेशज शब्द, तो हम लोगों ने देखा होगा कि ये जो जैन है, ये देशज वर्ड नहीं है, ये एक विदेशज वर्ड है, बाहर का शब्द है। तो बाहर यानी कि विदेशी वर्ड है, तो इस तरीके से ये वर्ड आपको रिलेट हो जाएगा। जैनोफोबिया, जिसमें जैन जो है एक विदेशज शब्द है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर विदेशी की मीनिंग को इंक्लूड कर रहा है, और फोबिया तो ऑलरेडी हमको पता है कि फोबिया की मीनिंग डर से होती है। चलिए हमारा सेकंड वर्ड देखते हैं। हमारा सेकंड वर्ड है येन। येन की मीनिंग होती है फ्रेंड चाह, इच्छा या फिर अभिलाषा, लॉन्गिंग एंड अर्ज। तो हम इसे कैसे लेट करेंगे येन? आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप कंट्री एंड करेंसी के बारे में पढ़ते ही हैं। तो कंट्री एंड करेंसी के बारे में पढ़ने के दौरान आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि येन जो है जापान की एक मुद्रा है। तो अगर हम जापान घूमना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमारे पास येन होना चाहिए। हमें हमारे इंडियन रुपी को, या कहीं की किसी भी कंट्री के डॉलर हो गया, कुछ भी हो गया, वहाँ जो भी मुद्रा चलती है, उसे किस में कन्वर्ट कराना होगा? येन में कराना होगा। तो अगर आपको जापान घूमना है, आपकी इच्छा है, आपकी चाह है जापान घूमने की, तो आपके पास क्या होना चाहिए? येन होना चाहिए। बिना येन के आप जापान घूमने की कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की। हमारा नेक्स्ट वर्ड है योमैन। योमैन की मीनिंग होती है मैन ऑनिंग स्मॉल स्टेट और मिडिल क्लास फार्मर, दैट मीन्स सामान्य जन या सामान्य वर्ग या मिडिल वर्ग का एक किसान। तो इसमें वर्ड आ रहा है मैन। मैन वर्ड जो होता है वो तो आदमी, जन को रिलेट कर रहा है, लेकिन अब हमें रिलेट करना है कि हम किसान को कैसे करें। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वर्ड आ रहा है यो। यो को अगर हम रिलेट करें बो, यो बो, तो किसान का काम ही होता है बीज बोना, तो ये वर्ड आपको रिलेट हो जाएगा। हमें जस्ट रिलेट करना है, तो यो मैन, यो में हम रिलेट करेंगे बो से, एंड मैन जन या फिर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है योक। योक की मीनिंग होती है जॉइन टुगेदर या फिर यूनिट, एकता, एकजुट या फिर इकट्ठा होना। तो फ्रेंड, बहुत ही आसान है, बस आपको योक को रिलेट करना है जोक से, योक जोक। तो कहीं पर भी अगर जोक चल रहा हो,
या फिर मौज मस्ती की बात हो या कहीं पर भी चुटकुल्ला सुनाया जा रहा हो तो लोग क्या होते हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सभी को एंटरटेनमेंट पसंद है। आपने देखा हो कहीं बोरिंग से स्टोरी चल रही हो और कहीं पर चुटकुल्ला सुनाया जा रहा हो, जोक सुनाया जा रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा करके लोग कहाँ पर इकट्ठा होंगे। तो इस तरीके से ये आपको रिलेट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड योकल। योकल की मीनिंग होती है कंट्री पम्पकिन, यानी कि गवार और असभ्य। तो योकल इज साउंड लाइक अकल, योकल अकल, तो बिना अकल, योकल बिना अकल, योकल बिना अकल। तो बिना अकल का जो पर्सन होगा वो तो जाहिर सी बात है असभ्य और गवारी होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है योर। योर की मीनिंग होती है टाइम पास्ट, यानी कि बीता हुआ समय या फिर प्राचीन समय। तो हम इसे कैसे रिलेट करेंगे, योर इज साउंड लाइक बोर, योर बोर। तो फ्रेंड्स हमें हमेशा हमारे प्राचीन समय के बारे में पढ़ना बहुत ही बोर करता है, बहुत ही बोरिंग लगता है। अगर बात की जाए तो प्राचीन समय को हम कहीं ना कहीं हिस्ट्री कह सकते हैं। प्राचीन समय के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, मीन्स कि हम हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, तो हिस्ट्री की क्लास में अधिकतर बच्चे सो जाते हैं क्योंकि बहुत ही बोरिंग क्लास होती है, बहुत ही बोर करता है। तो योर को हम लेट करेंगे बोर से, एंड प्राचीन समय के बारे में पढ़ना हमें बोर करता है। तो इस तरीके से ये जो वर्ड है आराम से याद हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड जैने। जैने की मीनिंग होती है क्रेजी और कॉमिक, यानी कि झक्की, हास्यकर या हास्यप्रद। तो हम इसे लेट करेंगे, जैने को आप लेट करिए जॉनी, जैने जॉनी। तो फ्रेंड जो जॉनी, आप सभी जानते हैं जॉनी लीवर एक बहुत ही बड़े कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो जैसे ही आपको रिलेट होगा जैने जॉनी, बाकी की मीनिंग अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जॉनी जो हैं वो बहुत ही बड़े हास्यकर हास्यप्रद हैं और बहुत ही बड़े कॉमेडियन हैं। तो इस तरीके से आपको ये रिलेट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड जेल। जेल की मीनिंग होती है एगर एंड एंथुसियाज्म। तो हम इसे कैसे लेट करेंगे फ्रेंड, इसकी मीनिंग होती है उत्साह। तो देखिए इसमें वर्ड आ रहा है जेल, जेल को, जेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वही जेल, पुलिस वाला जेल जहाँ पर चोरों को पकड़ा जाता है। तो हम इसे ऐसे कहेंगे कि बड़े से बड़े चोरों का भी उत्साह ठंडा पड़ जाता है जब उन्हें जेल में जा कर के चक्की पीसनी पड़ती है। तो हम इस तरह के समझ सकते हैं कि जब भी जो भी बड़े से बड़े चोर होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें कोई पकड़ेगा नहीं, लेकिन एक बार जेल जाने के बाद उनका दिमाग ठंडा हो जाता है और पूरा चोरगिरी भूल जाते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड जेलेट। जेलेट की मीनिंग होती है कट्टरपंथी, इसके सिनोनिम्स हैं फैनाटिक। तो कट्टरपंथी आप सभी जानते हैं जो कि किसी अपनी ही बात पर अड़े रहता है, किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज उसे पसंद नहीं होता है। तो जेलेट साउंड करता है बेगट, जेलेट बेगट, एंड बेगट की मीनिंग ही होती है फ्रेंड कट्टरपंथी। तो सेम साउंडिंग है और मीनिंग भी कैरी कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड जेफर। जेफर की मीनिंग होती है जेंटल ब्रीज, यानी कि मन बयार या फिर वेस्ट वाइन, पश्चिमी हवाएं, जिन्हें कि लोकल भाषा में हम पछुआ पौने या पछुआ हवाएं कहते हैं, और हल्की हवाएं। तो फ्रेंड ये जो पछुआ पौने होती हैं हल्की होती हैं क्योंकि ये अपने साथ कोई भी भारी तूफान को लेकर के नहीं आती हैं। तो हम इसे कैसे रिलेट करेंगे, जेफर को रिलेट करिए फायर, जेफर फायर। तो फ्रेंड आप सभी जानते हैं कि आग लगती छोड़ी छोटी सी जगह पे है, लेकिन धीरे धीरे वो आग क्या हो जाती है, फैल जाती है। और आग को फैलाने का काम कौन करता है, हवाएं करती हैं। आपने देखा भी होगा कि आग उस डायरेक्शन में बहुत जल्दी से फैलती है जिस डायरेक्शन में हवाओं का रुख होता है या जिस डायरेक्शन में हवाएं बहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलेट हो रहा है जेफर फायर, और फायर को भड़काने का या आग को बढ़ाने का काम कौन करती हैं, तो हवाएं करती हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको ये सभी वर्ड जो हैं आसानी से रिलेट हो जाएंगे। अगर फ्रेंड आपको सारे वर्ड रिलेट हुए हैं तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करिए, क्योंकि बाद में आप लाइक बटन पे क्लिक करना भूल जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए अभी कर लीजिए। और आज हमारे सीनम की सीरीज़ का एंडिंग हो रहा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हैप्पी एंडिंग होगा, क्योंकि आपको प्रीवियस सेक्शन के सारे वर्ड याद हो गए होंगे। अगर आपको याद नहीं हुए हैं फ्रेंड तो वीडियो को एक से दो बार देखिए, नोट्स कॉपी में नोट करते जाइए। एंड आप लोगों ने अभी तक डेली रूटीन में इसे यूज़ करना स्टार्ट किया कि नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे इन वर्ड पे आपकी कमांड जो है बहुत ही स्ट्रांग होती जाएगी।
हमारे कुछ स्टूडेंट और व्यूअर्स कह रहे थे कि जैसे वो जॉब करते हैं तो अपने जॉब से संतुष्ट नहीं है, लेकिन आगामी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान वो जॉब के समय में तैयारी नहीं कर सकते हैं और ना ही उन्हें बुक ले जाने की परमिशन होती है। तो वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि इस तरह के वीडियो से उन्हें बहुत ही फ़ायदा मिलता है, वीडियो से वो अपना प्रिपरेशन आसानी से कर लेते हैं। तो हम भी बहुत ही शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने अपनी समस्या हमारे साथ शेयर की और हमसे जितना हो सकेगा हम आपके लिए सॉल्यूशंस लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको भी जिस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ हमारे साथ टॉपिक शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, हम उस टॉपिक पे जल्दी ही वीडियो बनाकर, ट्रिकी वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में वो फ़ायदेमंद हो। काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं, अलग अलग प्रोफेशन में आई हुई हैं, एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आप देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे जॉब्स निकाले हैं। तो बस आपको ज़रूरी है कि आप एकदम डट कर तैयारी करते रहें। इंग्लिश एक सब में आने वाला कॉमन सब्जेक्ट है ही और इंग्लिश में आपको सिनोनिम्स के वर्ड मिलेंगे ही देखने को, तो जाहिर सी बात है कि हमें छोटे से तैयारी करना चाहिए। और ये जो सिनोनिम्स हैं कहीं ना कहीं हार्ड भी पड़ते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं एकदम से न्यू वर्ड होते हैं जो कि हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ भी नहीं करते हैं, ना ही हमें बुक्स वगैरह में जल्दी पढ़ने को मिलते हैं, तो इन वर्ड को रिलेट करने की दिक्कत होती है फ्रेंड। तो हमारा ये जो वीडियो था पूरा ए टू जेड इन वर्ड को रिलेट करने के लिए ही था ताकि आप आसानी से रिलेट कर पाएँ। और हमने बहुत ही अच्छा कलेक्शन तैयार किया था सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप इसका फ़ायदा उठा सकें फ्रेंड। तो फ्रेंड, हो सके जितना उतना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल पर तो ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि अप टू डेट रहने के लिए ज़रूरी है नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।